हरे कृष्णा। रात के वक्त आपको याद करके कोई क्या सोच रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे। इस ओरेकल डेक में से एंजल के गाइडेंस मैसेजेस लेने के लिए 5 मैसेजेस और डिवाइन डायरेक्शन में से भी 5 मैसेजेस। शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। एक, दो, तीन, एक कार्ड मिल गया है, दो, तीन, चार और ये पांच। तो हमेशा की तरफ शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। यस है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आगे बढ़ना है, बात को आपके सामने रखना है, लेकिन किस तरह से कहे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की जा रही है यहाँ से, ताकि सामने वाला पर्सन इस पर्सन के जज्बातों को ना देख पाए। और ये जो सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, जो रिप्रेजेंट करता है कि बात करने की चाहत तो है क्योंकि सॉर्ड को हाथ में उठा के रखा है, लेकिन ये एक्शन मोड में नहीं है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे यहाँ पे भी आपको ढेर सारे बादल दिख रहे होंगे, तो ड्रीमी नेचर में है, कुछ ख्याली बातें हैं जिनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचा जा रहा है, जिसकी वजह से चाहते हुए भी अपने दिल के जज्बात या फिर जो भी बात कहनी है वो आपके सामने कह नहीं पा रहे और अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। उन्हें लगता है शायद वो स्टक हो चुके हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे इस लेडी को लगता है कि वो बंधी हुई है, उसके इर्द गिर्द न जाने कितने दुश्मन है जो उसके लिए क्या क्या पता नहीं प्लान बना रहे हैं उसको मारने के लिए, या फिर ऐसा ये जो भी है वो उसका ड्रीम है, क्योंकि ये उसके ख्याल में आ रहा है, उसकी आंखें बंद हैं और इसी वजह से वो सामने जो सच्चाई है उसको देख नहीं पा रहे हैं। और उसको जब महसूस हो रहा है कि वो बंधी हुई है तो उसके मन में ऐसे डर उसे सता रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिव माइंड सेट है। और ऐसे ही शायद आपके पर्सन की हालत है, निगेटिव माइंड सेट में होने की वजह से बात नहीं कर रहे। फिर है एम्परर का कार्ड। तो जैसा कि ये कार्ड बताता है, बहुत सोच समझ के ये पर्सन शायद काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फैसला ले तो क्या ले, कोई तो ऐसा प्रॉपर वो फैसला लेना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे। और ऐसे ही फैसले के ऊपर उनका शायद डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा, इसलिए शायद काफी ज्यादा कंफ्यूज है। आपके साथ जिंदगी के सफर को लेके भी कोई बात हो सकती है या फिर कोई ऐसी बात शेयर करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों की जिंदगी में शायद टर्निंग प्वाइंट आ सकता है। यह है व्हील ऑफ फॉर्चून और ये कार्ड यही बता रहा है कि समय के इस पहिए से गुजरते हुए काफी कुछ ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो नेकेड है, वो किसी की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है, यहाँ पे एक बुल है, यहाँ पे एक लायन है, इस तरह का कुछ, यहाँ पे एक स्नेक भी है। तो सेक्सुअल एनर्जी भी इस पर्सन के दिलो दिमाग में थोड़ी हावी हो रही है और जिंदगी के इस पड़ाव में शायद वो किसी
बात के लिए आपसे काफी ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं और दिन ब दिन जैसे वक्त के साथ उनका आपके साथ ये जो अटैचमेंट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, उनके दिल में पैशन भी बढ़ता चला जा रहा है, इसी वजह से शायद अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा फील कर रहे हैं राइट नाउ आपके लिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये है नाइन ऑफ वैंड्स फायर साइन एरिस लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो क्लियरली आप देख ही रहे होंगे कि सेक्सुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा है और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके जो जज्बात है वो पता नहीं कब पूरे होने वाले हैं, यानी कि यहाँ एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी इन दोनों में थोड़ी सी दूरियां हैं, तो यही दूरियां आपके पर्सन को तकलीफ दे रही है, यानी कि उन्हें पता है प्यार आप दोनों के भी दिल में है, तो ये पैशन ये लम्हा कब आएगा आप दोनों की जिंदगी में, इस तरह की शायद कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में राइट नाउ आ रही है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ऑलरेडी ये पर्सन आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, उन्हें लगता है कि आप ही है वो पर्सन जिसको ये हमेशा चाहते थे अपनी जिंदगी में, और आपके अंदर जो जो खूबियां हैं यही उनकी विश थी जो उन्हें चाहिए थी कि ऐसा पर्सन होगा मेरा, उसमें ये खूबी होगी, वो इस तरह से करेगा या इस तरह से करेगी, तो आपका जो नेचर है उस पे भी ये पर्सन काफी ज्यादा फिदा हो चुके हैं, यानी कि टोटली सिर से लेके पांव तक ये पर्सन आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं और राइट नाउ भी शायद यही कर रहे हैं। फिर है डिवाइन डायरेक्शन में से पैशन। पैशन इजंट कन्फाइंडेड टू सेक्सुअल एनर्जी, लाइफ इज मीन टू बी फेल्ट, डोंट होल्ड बैक। तो जैसे सेक्सुअल एनर्जी से जुड़ी नहीं होती सिर्फ पैशन, जैसे किसी को जिंदगी में कुछ गोल हासिल करना है, कोई मकसद है, तो उसके लिए भी पैशन जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने देखा कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में राइट नाउ पैशन आपके लिए भी है जो सेक्सुअल एनर्जी में भी कनेक्ट हो रही है, और साथ ही साथ उन्होंने अगर वही गोल सेट किया है यानी कि पैशन को लेके, तो वो है आपके साथ ऐसा वक्त बिताना जो उनका ड्रीम है। फिर है लव। इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस अ लविंग कमिटेड रिलेशनशिप, एंजॉय इट। तो उन्हें पता है प्यार आपके भी दिल में है और इनके भी दिल में है, और उन्हें लगता है ये जो रिलेशनशिप है वो कमिटेड रिलेशनशिप है, आप दोनों भी एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, तो इन लम्हों को वो एंजॉय करना चाहते हैं जो रोजमर्रा की लाइफ में ये अकेलेपन में जी रहे हैं, और उन्हें लगता है कि रोज कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए इंसान को प्यार में लेके भी, और इस तरह के कुछ जज्बात शायद उनके दिलो दिमाग में उमड़ रहे हैं। फिर है बैलेंस। इट्स टाइम टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो जैसे जहां तक बात आती है बैलेंस की, तो अगर ये पर्सन खुद को लोनलीनेस की एनर्जी में फील कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका साथ इनके लिए क्या मायने रख रहा होगा। तो रात का वक्त है, आपको मिस कर रहे हैं, और ये एनर्जी कैसे बैलेंस होगी जब तक आप उनकी जिंदगी में एंटर नहीं करेंगे। इनका ये जो पैशन है वो अगर आप तक पहुंचाना है, तो भी ये सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा खूबसूरत तरीका होगा प्यार को आप तक बताने का, पहुंचाने का, जिसकी वजह से आप समझ जाएं कि हाउ ही पैशनेटली थिंक्स अबाउट यू। तो इस तरह की भी कुछ बातें उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब वो लव लाइफ में भी और हो सकता है पैशनेट बातों को लेके भी कुछ बैलेंस चाहते हैं, यानी कि मे बी आपकी तरफ से शायद कोई उम्मीद की जा रही है कि आप थोड़ा बोल्ड बन के कुछ ओपन अप हो रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। ग्राउंड। इट्स टाइम टू ग्राउंड एंड सेंटर योर एनर्जी, बी ट्रूली प्रेजेंट इन योर लाइफ। तो जैसा कि रात का वक्त है, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ऐसा ही ये पर्सन भी आपके बारे में दिन रात अगर सोचते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि प्रेजेंट में जीते हुए आप अपने दिल के जज्बातों को, ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव बन के पकाते हुए कुछ एक्सप्रेस करें, लेकिन जो भी आपके दिल में जज्बात आते हैं, जैसे आपने उनको मिस किया, अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेके, अगर आपका मिलने का मन है, या फिर फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात है, कोई मूवी देखी आपको उनकी याद आई, कोई गाना सुना आपने उसको उनको मिस किया, तो जो भी जज्बात है वो आप तक आप इन तक पहुंचाए। फिर है मेडिटेट। Reconnect with your inner spirit, walk, practice yoga, meditate or listen to music। जैसा कि मैंने कहा कि शायद ये पर्सन मैनिफेस्ट करते रहते हैं, कोई ऐसा फेवरेट ट्रैक सुनते होंगे जिसकी वजह से उन्हें आपकी याद आती है, कोई उनका फेवरेट म्यूजिक होगा जिसमें वो आपको इमेजिन करते हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है,
कोई ऐसा प्यारा सा म्यूजिक हो सकता है, या फिर आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग हो सकता है जिसको सुनते वक्त ये आपसे काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, और शायद इसीलिए उन्हें आपकी याद और भी ज्यादा सताती रहती है, जिसकी वजह से वो इंतजार कर रहे हैं सही समय का. लीजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू. तो ये कार्ड तो यही बताता है कि इस पर्सन को शायद कुछ बातें काफी ज्यादा इंस्पायर करती है. हो सकता है ये आपकी बात करने का तरीका भी हो, तो आपकी बातों से इंस्पायर होके भी ये काफी कुछ इमेजिनेशन में खो जाते हैं. यानी कि मान लीजिए आपने उनको एक सिंपल सेंटेंस कहा, लेकिन उनको आपका बात करने का तरीका बहुत पसंद आया, तो वो उन सेंटेंस को याद रखते हैं और उसी बात को पकड़ते हुए इंस्पायर होते हुए वो कुछ सपने सजा लेते हैं, और इसी वजह से आपके साथ उनके दिल का कनेक्शन और भी जुड़ जाता है. और राइट नाउ भी शायद ऐसी ही किसी बात के बारे में मे बी वो सोच रहे हैं. इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस. तो इस पर्सन को इंट्यूशंस तो मिल रहे हैं कि उन्हें जिंदगी में आखिर आपके लिए इतना प्यारा एहसास क्यों हो रहा है, उनका प्यार का एग्जैक्ट तरीका क्या है, वो हैप्पीनेस उन्हें किस तरह से चाहिए, उनके फैंटेसीज क्या है, और हैप्पीनेस से रिलेटेड उनकी अपनी डेफिनेशन क्या है. इन सब बातों को लेके वो अपने इंट्यूशंस के ऊपर, यानी कि उनका जो दिल कह रहा है उन बातों के ऊपर भरोसा करते हुए ही शायद मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में हर रोज रात को उसी बात को लेके सेम थॉट रखते हुए ही वो सोचते रहते हैं. फिर है एनलाइटमेंट वर्सेस स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो आप दोनों के बीच में है ही, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से शायद ये कनेक्शन आप दोनों भी फील कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं जब से आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आए हैं, इस पर्सन ने जिंदगी में ग्रोथ करना शुरू किया है, इनकी तरक्की हो रही है, कुछ अच्छा जिंदगी जी रहे हैं ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है, और इसी तरह से उन्हें और भी अपने जिंदगी के खूबसूरत लम्हे आपके साथ जीने का मन करता है जब वो आपसे जुड़े ख्याल सोचते हैं. फिर है ओरिजिनलिटी, ब्लेस योर ओन ट्रेल. तो जैसा कि ये डांस कर रही है, इसका मन कर रहा है इस तरह से, तो अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो हर एक की अलग रहती है. कोई भी कभी भी एक दूसरे के जैसा नहीं होता, हर एक का अपना एक हुनर रहता है. और ऐसी ही आपकी जो ओरिजिनलिटी है, यानी कि आपको भी शायद खुद को नहीं पता होगा कि ये पर्सन सच्चे दिल से आपके बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं. यहाँ पे ये डांस कर रही है, उसकी टो से लेके सिर तक कुछ भी बात हो सकती है जो ये पर्सन सोचते रहते हैं. ऐसी ही आपके अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं जो उन्होंने नोटिस की है, वो उन्हें बहुत प्यारी लगती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है, यानी कि जिसमें कोई दिखावा नहीं, ये वैसा है जैसा उन्होंने इमेजिन किया था कि काश कोई पर्सन ऐसा हो. और आप शायद बिल्कुल भी ऐसे हैं जो उनका सपना नहीं बल्कि ओरिजिनलिटी से जुड़ी बातों में आते हैं, तो शायद इसलिए आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं. और फाइनल कार्ड है डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ. तो जब भी ये डव दिखता है, ये तो प्यार का संदेश देने वाला ही होता है, एक शांति का संदेश होता है, लेकिन ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेके जिंदगी के आगे के सफर के बारे में सोच रहे हैं. यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे भी उन्हें भरोसा है, और साथ ही साथ उन्हें ये भी यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, तो सही वक्त आने पे आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में एंटर करेंगे ही. और उनकी ये जो फैंटेसीज है और ये जो उनका शायद पैशनेट थॉट्स चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, इस तरह का भी शायद कोई सपना अगर उन्होंने सजाया है तो वो भी एक न एक दिन जरूर पूरा होगा, और उसके लिए स्पेसिफिक वक्त का इंतजार करना ये प्रेफर कर रहे, शायद इसलिए आपके बारे में इस तरह से सोच रहे. तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर.